ये चार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बिट्टू भैया का भी नाम ले रहा था। बहरहाल एक एक करके तमाम जानकारी आएगी कि आखिर किसकी शह पर इस तरह से ये भागने में छह दिन इधर उधर कामयाब रहा। गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार हुआ, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। पुलिस के हत्थे चढ़ा है मोस्ट वांटेड, 8 पुलिसकर्मियों की हत्या का आरोपी। कानपुर की वो तस्वीरें उस रात की दहलाने वाली थी जब कानपुर पुलिस, जानकारी ये मिली कि पुलिस वहां दबिश दे रही है इस गैंगस्टर को पकड़ने के लिए, लेकिन फिर 200-300 राउंड फायरिंग इस विकास दुबे के घर से ही पुलिस पर हो गई, जिसमें 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, जिसमें सीओ देवेंद्र मिश्र भी शामिल थे। गोलीकांड के 7वें दिन जाकर गिरफ्तार हुआ है। 6 दिन तक ये पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा, शूटआउट की जगह से भी निकला। पूरा सफर इसका अगर आपको बताए तो जानकारी ये मिली कि वहां पर ये अपने गुर्गे के साथ भागने में फरार हुआ था। वही शख्स अमन दुबे जो इसका राइट हैंड माना जाता था, उस राइट हैंड के साथ ये भागने में फरार हुआ था। अपने रिश्तेदार के घर गया, वहां से गाड़ी ली, तमाम मोबाइल फोन्स ऑफ किए, सबको लेकर ये भागने में कामयाब हुआ। लेकिन आखिरकार फरीदाबाद में इसे बीते दिन देखा गया था और उसके बाद अब उज्जैन में इसकी गिरफ्तारी हुई है। शिवेन श्रीवास्तव हमारे सहयोगी लगातार इस खबर पर नजर बनाए हुए हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। शिवेन, आखिरकार 6 दिन तक ये लुका छिपी का जो खेल चल रहा था पुलिस के साथ, वो इसका खत्म हुआ, गिरफ्तार हुआ है। क्या कह रही है यूपी पुलिस? फिलहाल ट्रांजिट रिमांड पर लाया जाएगा, क्या होगी पूरी प्रक्रिया? और अभी भी इस शख्स पर नजर रखना बहुत जरूरी है, इसके इतिहास को समझकर। शिवेन जी बिल्कुल, देखिए अभी ऑफिशियली पुलिस ने सिर्फ ये कंफर्म किया है कि उन्होंने विकास दुबे को तस्दीक कर ली है कि वो गिरफ्तार हुआ है मध्य प्रदेश में, लेकिन ज़्यादा कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। कानूनी तौर पर देखा जाए तो एमपी पुलिस अब इसको कोर्ट में पेश करेगी, जहां से ट्रांजिट रिमांड पर यूपी पुलिस को दिया जाएगा। यूपी पुलिस एसटीएफ की टीम रवाना हो चुकी है एमपी के लिए और किसी भी वक्त वहां जब पहुंचेगी उसके बाद ये कानूनी प्रक्रिया के बाद इसको लाया जाएगा। सबसे पहले इसको लखनऊ लाया जाएगा, वहां से इसको कानपुर उस स्पॉट पर लाया जाएगा जहां पर इसने इस जघन्य वारदात को अंजाम दिया था। लेकिन पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बना रहा पिछले 6 दिनों तक, और लुका छिपी का जो खेल था उसने एक बार फिर से साबित किया है कि विकास दुबे का नेटवर्क यूपी पुलिस के नेटवर्क से ज्यादा स्ट्रांग था और यूपी पुलिस के लोग ही उसको इस तरीके से मदद कर रहे थे कि ऐन मौके पर ये कई जगह से भागा भी। तो कुल मिलाकर के पुलिस के लिए बड़ी चुनौती वाली स्थिति थी और उस चुनौती में पुलिस पूरी तरह से विकास दुबे को पकड़ने में नाकाम रही। हालांकि उसके 6 साथियों का एनकाउंटर किया गया, आज सुबह किया गया, उसी दिन जिस दिन घटना हुई थी, उसके बाद लगातार एनकाउंटर का सिलसिला जारी था। हम जिस वक्त जहां पर खड़े हैं वो भी जगह है जहां पर अभी प्रशांत मिश्र का एनकाउंटर किया गया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिरकार चकमा देकर के एक स्टेट को पार करके कैसे विकास दुबे चला गया, जबकि यूपी पुलिस लगातार दावा कर रही थी कि हर जिले में, हर बॉर्डर पर, हर स्टेट के बॉर्डर पर उन्होंने चौकसी बढ़ा रखी है और उसके बाद ये एमपी पुलिस ने पकड़ लिया। तो बड़ा सवाल उठता है, वो जांच का विषय हो सकता है कि किन परिस्थितियों में हुआ, लेकिन फिलहाल पुलिस के लिए एक राहत की बात यह है कि विकास दुबे पकड़ा गया है। अब साजिश का खुलासा अगर ईमानदारी से किया गया तो इसमें बहुत सारे ऐसे नाम आएंगे जो कि न सिर्फ पुलिस विभाग से जुड़े होंगे बल्कि राजनेता, अधिकारी और तमाम लोगों का जो नेक्सस विकास दुबे को मदद कर रहा था वो भी सामने आ सकेगा। शिवेन, जो हम लगातार आज तक पर कह रहे थे कि खादी का ये अपराध जगत के साथ ऐसा पाताल लोक है जिसकी हर परत खुलनी चाहिए। आनंद बैनर्जी साहब, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बैनर्जी साहब, पहला सवाल तो यही होगा कि क्या वर्ष 2000 के बाद से अपराध की दुनिया में ये बढ़ता चला गया शख्स, उस दौरान क्या आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस में डीजीपी थे, आपको किस तरह की जानकारी थी शख्स के बारे में? कैसे ये वक्त भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जो शख्स थाने में घुसकर एक दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या कर सकता है, वो व्यक्ति कितना कुख्यात है, किस तरह की माइंड गेम खेलता है, सब पर नजर रहेगी। आज इसकी गिरफ्तारी यूपी नहीं एमपी से हुई, क्या कहेंगे आप? बहुत खूंखार आतंक क्रिमिनल है, मैं तो इसको आतंकवादी कहता हूं, जिसने कि 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। और अगर ये इसने थाने में घुस के जो इसने वारदात किया था उसके बारे में जो मुझको पता है सोशल मीडिया से और बाकी जो लिख के, आधिकारिक रूप से नहीं है, वो उसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। देखिए, जिसके खिलाफ 1990 से केसेस हैं आज तक के, और उसको डेफिनेटली शरण मिलता रहा है, प्रश्रय मिलता रहा है। इसके पीछे दूसरा कारण भी है, अगर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 1993 में बंबई में बम ब्लास्ट हुए थे। उस समय एनएन वोरा यूनियन होम सेक्रेटरी हुआ करते थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह तय करने की कोशिश की कि क्या
क्रिमिनल्स का पॉलिटिशियन से, ब्यूरोक्रेट से, पुलिसमैन से, व्यापारियों से कोई नेक्सस है कि नहीं है? तो 1993 में एनएन वोरा कमेटी रिपोर्ट आई थी, जिसमें कि डायरेक्टर सीबीआई और डायरेक्टर आईबी वगैरह भी थे। उन्होंने स्पष्ट कहा था कि एक बहुत बड़ा नेक्सस इन लोगों का आपस में है और ये एक सिस्टमैटिक तरीके से काम करते हैं। तो विकास दुबे इससे अलग रहा हो, इसकी तो बात नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि एनएन वोरा कमेटी की रिपोर्ट के 5 अपेंडिक्स जो हैं वो अभी तक पब्लिक नहीं हुए हैं और ना उस रिपोर्ट पे कोई कार्रवाई हुई है। तो उस रिपोर्ट पे कार्रवाई होनी जरूरी है। जहां तक कि विकास दुबे की बात है, अब आपने इनको पकड़ लिया है, इसका आद्योपान्त पोस्टमार्टम होना चाहिए। पूरे इसके वाकये का, 90 से लेके आज तक का हर केस का ये पता लगाया जाए कि किसमें बेल हुआ, किसमें छूटा, छूटने के बाद क्या टोटल रिपोर्ट बनी, क्या इसको तो उसमें रिव्यू हुआ, क्या अपील में गई गवर्नमेंट या नहीं गई, नहीं गई तो क्यों गई, इसको आज तक किसने मदद किया है। और ये कानपुर से जो इसने ये घटना करके, ये पता नहीं कहाँ कहाँ से होते हुए पहले फरीदाबाद पहुँचा, फिर ये क्या कहते हैं राजस्थान बताते हैं पहुंचा, और उसके बाद उज्जैन में इसने जिस प्रकार से पब्लिकली सरेंडर किया है ताकि इसका एनकाउंटर ना हो जाए या कोई इसको पकड़ ना ले, तो अभी तक तो इस पे जो असलहे ये ले गया वो बरामद हुआ नहीं है। तो इसलिए इसके इसको इंटरोगेट करना जरूरी है। इसकी जो पॉलिटिकल पकड़ है वो पता चलेगी, इसकी पुलिस में जो पकड़ है वो पता चलेगी, इसकी ब्यूरोक्रेटिक पकड़ वो पता चलेगी, मगर ये अपने में काफी। ये सुनिश्चित करने का तरीका क्या है बैनर्जी साहब? मैंने जो सवाल आपसे पहले किया था, क्योंकि आप कह रहे हैं 1990 से ही ये अपराध की दुनिया में था, आप भी डीजीपी इस दौरान रहे होंगे, ये शख्स बहुत शातिर था। एक सेकंड सर, देखिए विकास दुबे ही एंड गेम नहीं है, विकास दुबे के आगे वो राजनीतिक या फिर पुलिस संरक्षण जो इस कुख्यात आरोपी को मिलता रहा, अपराधी को मिलता रहा, जिस पर ऐसे ऐसे अपराध थे जिनमें थाने के अंदर ये किसी की हत्या करता है और एक पुलिस वाला इसके खिलाफ गवाही नहीं देता है, ये बताता है कि इसके खौफ का साम्राज्य क्या था उत्तर प्रदेश में। ये कैसे सुनिश्चित होगा कि एक एक जानकारी इसके नेक्सस की बाहर आए इसके जिंदा पकड़े जाने के बाद? देखिए, इसका जिंदा पकड़ा जाना बहुत जरूरी था, अच्छा हुआ ये जिंदा पकड़ा गया है। इससे जो पूछताछ होगी, इसकी जो जितनी भी इसकी साथी हैं, लोग हैं, इसकी कनेक्शंस हैं, इसके इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस हैं, इसके कंप्यूटर हैं, सारी चीज़ों की छानबीन जब करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका जो फाइनेंशियल एम्पायर है, ये सारी चीज़ें एक एक बाय एक निकलेंगी। जहाँ तक थाने में इसके मर्डर की बात है, जो मुझको मालूम है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, ये कहाँ तक आधिकारिक रूप से सही है मुझे नहीं मालूम। थाने में जब इसने मर्डर किया था, जब FIR लिखवाई गई थी, तो उसमें थाने के जितने भी कर्मचारी थे सबके खिलाफ FIR हो गई थी। एक इसके खिलाफ तो हुई थी, सबके खिलाफ हुई थी। तो कोई अपने खिलाफ गवाही नहीं देगा कोर्ट में, संभवतः इस कारण से ये मुकदमा छूट गया था। अब उसमें क्या कार्रवाई हुई है अभी तक नहीं मालूम है। हाँ, ये बात जरूर है कि दुर्भाग्य से ये बताया जाता है, ये भी आधिकारिक रूप से नहीं है, ये भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही मालूम हुआ कि कानपुर में या उस इलाके में, कानपुर जोन में, कानपुर रेंज में, कानपुर शहर में, डिस्ट्रिक्ट में जो टॉप 10 अपराधी हैं उसमें इसका नाम दुर्भाग्य से नहीं था।